नमस्कार दाब सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत आप सबका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है म्यूजिक ट्यूटोरियल्स। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा उन सभी व्यूवर्स का और सभी सब्सक्राइबर्स का जिन्होंने हमारे चैनल को इतना प्यार दिया, और मुझे उम्मीद है कि आपका प्यार इसी तरह आगे भी मिलता रहेगा। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जिस सरगम की प्रैक्टिस कीबोर्ड के ऊपर की थी जिसका स्केल था जी शार्प, आज उसी सरगम को हम हारमोनियम पे प्रैक्टिस करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी बहुत पसंद आएगी और मुझे वेट रहेगी आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स की। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों हारमोनियम पे जब हम प्रैक्टिस करेंगे फर्स्ट अलंकार की, तो सबसे पहले जो आपको स्केल रखना है वो फोर्थ स्केल रखना है। जैसे हमने कीबोर्ड पे नाइन्थ रखा था क्योंकि वहाँ पे कोर्ड सेक्शन होता है, इस वजह से वहाँ पे नाइन्थ ब्लैक बन रहा था। एक्चुअल में वो फोर्थ ब्लैक ही उसको बोलते हैं। तो आइए हारमोनियम पे देखते हैं कि फोर्थ ब्लैक कहाँ पे है। आपको लेफ्ट साइड से शुरू करना है, फर्स्ट ब्लैक, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक एंड फोर्थ ब्लैक। आप इसको जी शार्प भी कह सकते हैं, सी डी ई एफ जी, जी शार्प। तो आपको ये वाला स्केल रखना है, ये मैं बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए बता रहा हूँ। इस स्केल से आपको प्रैक्टिस करना है। सबसे पहले मैंने आपको काउंटिंग बताई है, उस काउंटिंग के हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत इजी आप प्रैक्टिस कर पाएंगे। आप इस फोर्थ ब्लैक को फर्स्ट मान लीजिए, फर्स्ट नंबर वन है ये, तो नंबर थ्री के ऊपर है रे, टू थ्री, आपको वन के बाद थ्री बजाना है, वन थ्री, उसके बाद फाइव, फोर फाइव, वन थ्री फाइव। अगर हम काउंटिंग करें तो ये फाइव बन रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव, उसके बाद सिक्स, वन थ्री फाइव सिक्स, उसके बाद एट, वन थ्री फाइव सिक्स एट, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा, सा रे गा के बाद हमें धा बजाना है, वो है टेन नंबर की, तो ये है एट नाइन टेन। तो पा के बाद क्या आएगा, धा, उसके बाद नी ट्वेल्व, उसके बाद नी के साथ बिल्कुल सा। हम कंप्लीट करते हैं, वन थ्री फाइव सिक्स एट टेन ट्वेल्व सा। ये सा अगले ऑक्टेव का है इसलिए हम इसको काउंट नहीं कर रहे, ट्वेल्व तक ही हम स्वरों को काउंट करेंगे। तो आइए असेंडिंग और डिसेंडिंग बजा के देखते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट अलंकार फोर्थ स्केल से, जी शार्प से, जो छोटे बच्चों के लिए है। ये सारे के सारे नेचुरल नोट्स हैं जिनको हम भारतीय शास्त्रीय संगीत में शुद्ध स्वर कहते हैं। पहले इसको स्लो में ही करें, उसके बाद धीरे धीरे इन कीज की, इन सरगम्स की आप स्पीड बढ़ा सकते हैं जब आपको कंफर्टेबल लगे। तो दोस्तों ये था हारमोनियम और कीबोर्ड के ऊपर फर्स्ट अलंकार को जी शार्प स्केल से कैसे बजाना है।
अगली वीडियो में हम सेकंड अलंकार करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। शुक्रिया, धन्यवाद।